सही। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि लाए अमल क्या होना चाहिए वहाँ पर उलमा का, जो फजला हैं उनका, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद हैं, पुराने मौजूद हैं, उनकी असर रसूख वहाँ की तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है, उनका इस वक्त फिल फौर क्या मसूलियत बनती है, उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? देखें, एक तो ये कि खुद नाइजेरियन गवर्नमेंट पे जोर डालने के लिए, इंडियन गवर्नमेंट पे जोर डालने के लिए और साथ में शेख इब्राहिम ज़रज़ाकी से इजहार मोहब्बत के लिए, क्योंकि जो आदमी इतनी खिदमत अंजाम दे वो कि उनको जरूरत नहीं है, लेकिन मोमिनीन की जिम्मेदारी है कि उनसे इजहार मोहब्बत करें और उनको उनके लिए वाजे करें और आइंदा आने वाले भी तमाम शिया मुबल्लिगीन के लिए वाजे करें कि हम साथ हैं। लिहाजा इंडिया में जो पहला काम होना चाहिए, अभी 2 दिन के बाद मिसाल के तौर पर इतवार है, तो वहां पर पहला काम ये होना चाहिए कि हॉस्पिटल से बहुत दूर या हत्ता किसी दूसरे शहर में ये लोग कॉल करें मोमिनीन को, और इंडिया का तारीख साज एक वहां पर जलसा होना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल से बहुत दूर हो। ये हम बार बार ताकीद इस पर तकरीबन तीसरी चौथी दफा कहा है, क्योंकि वहां पर यही फिर वहां भी दहशतगर्द भेज के पूरे हॉस्पिटल में कत्लेआम भी करेंगे और कह देंगे जी शिया छुड़ाने आए थे या ईरानी एजेंट छुड़ाने आए थे। आजकल ये हशद शाबी के पीछे भी पड़े हैं, ये भी कह देंगे जी हशद शाबी छुड़ाने आए थे। तो किसी दूसरे शहर में एक तो ये कि बहुत बड़ा मुजाहरा होना चाहिए, फिर ये देखें पॉलिटिकल क्या पॉसिबिलिटीज हैं उनके असाइलम के लिए, इसी तरह से देखें इंटरनेशनल क्या कोई ऐसा सिलसिला हो सकता है कि जो उनको मेडिकली उनके ट्रीटमेंट को मॉनिटर करे और पॉलिटिकली एक इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें, ताकि नाइजेरिया के मोमिनीन को पता चले कि जी इतने करोड़ मोमिनीन ने वहां पर शिरकत की है। यानी इंडिया का तारीख साज एक जलसा होना चाहिए, और इंडिया का तारीख साज जलसा एक 92 में हुआ था जब आयतुल्लाह उज़्मा खुई को गिरफ्तार किया गया था, तो वो दिल्ली का तारीख साज एक जलसा था, जो जमाने में आगा खुई के वकील, जो बाद में आगा सिस्तानी के वकील हुए आगा सैयद मोहम्मद मूसवी, के जिनको बाद में गवर्नमेंट ने निकाल भी दिया था, और उसमें भी बीजेपी का काफी दखल है उस किस्म की मुतासिब पार्टियों का, तो एक तारीख साज जलसा होना चाहिए। और ये शियों के लिए और उलमा के लिए आइंदा बहुत बड़ा बरकत, बहुत बड़ी बरकत का सबब होगा। यानी अगर इस वक्त ये मिसाल के तौर पर किसी भी बड़े शहर में, अब ये वहां के उलमा की जिम्मेदारी है, बड़े शहर में अगर जलसा करते हैं और कई करोड़ लोग को अगर जमा कर लेते हैं, तो ये आइंदा शियों के लिए सरबुलंदी का सबब होगा, और ये कहा जाएगा कि शेख इब्राहिम ज़रज़ाकी के मुबारक कदमों की वजह से शिया कौम को भी इंडिया में अल्लाह ने इज्जत और एहतराम दिया। क्योंकि अब तक जो पॉलिसी चल रही है वो ये चल रही है, जो मोदी ने कह दिया उस पर हमारे लोग चल रहे हैं, उसके आगे प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं।